नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में निकली हुई भर्ती के बारे में। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में हो रही है। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो HFWD यानी कि ही हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा भर्ती जारी की गई है और अनंतपुरम में ये भर्ती हो रही है, कर्नाटका में भर्ती हो रही है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं या कर्नाटका से है इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द आवेदन करिएगा। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 28 जनवरी 2019 है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि 28 जनवरी के पहले आपका आवेदन दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिएगा। स्टाफ नर्स के पोस्ट की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर 23 है, कम वैकेंसीज है, पर आप ये चिंता ना करें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है या ज़्यादा है। यदि आपको सिलेक्ट होना है तो एक वैकेंसी की ज़रूरत है और उस एक वैकेंसी पर नज़र रखकर जितना जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा। 22,500 रुपये तक आपको यहाँ पर वेतन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग डिग्री प्राप्त होना जरूरी है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 ईयर्स है, यानी अधिकतम 45 ईयर्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उनका अप्लीकेशन निश्चित कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के द्वारा होगा और आपकी यहाँ पर इंटरव्यू भी ली जाएगी। अप्लीकेशन फ़ी नील है, यानी आपकी आपको किसी भी तरह के अप्लीकेशन फ़ी भरना अनिवार्य नहीं है, पर यदि कोई छोटी मोटी प्रोसेसिंग फ़ी यदि आपको भरने है तो आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा पे कर सकते हो। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 23 जनवरी से 2019 से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है वहाँ पर, और एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हो, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल अनंतपुरम। और अब हम देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या जानकारी मिल रही है, पर वहाँ पर जाने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको इस आर्टिकल पे आना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक इम्पोर्टेंट लिंक दी है जिस पर आप क्लिक कर इस आर्टिकल पे आ सकते हो जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट gbtjob.com पर पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर जो बॉटम में दो लिंक्स है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और ऑफिशियल वेबसाइट की, उस पर क्लिक कर आप ये जो PDF है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है उस पर जो भी जानकारी आपको मिल जाएगी उसे आप आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और ये जॉब पा सकते हो जो कि कर्नाटका में हो रही है। अप्लाई करने के लिए आपको इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी, BSc नर्सिंग डिग्री तथा MSc नर्सिंग डिग्री प्राप्त होना जरूरी है। अधिकतम 40 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC ST तथा BC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और 10 साल PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल 100 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। 90 मार्क्स विल बी एलोकेटेड अगेंस्ट द मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाई एग्जामिनेशन एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। रूल ऑफ रिजर्वेशन, रिम्यूनरेशन यानी पेमेंट कितना मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी बताई गई है। अप्लीकेशन का फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, इस अप्लीकेशन के फॉर्म को आपको भर कर दिए गए एड्रेस पर पब्लिश कर देना है। तो जल्द से जल्द आपका अप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। अप्लीकेशन फ़ी है जो कि 200 रुपये है जो आपको पे करनी है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिस्ट में बताया गया है उनको आपको आपके एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अभी ओपन नहीं हो रही है, पर आप ऑफलाइन से जल्द जितना जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, 28 जनवरी तक इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। तो जल्द से जल्द आज ही के आज जो ऑफलाइन यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एप्लीकेशन पब्लिश कर दीजिएगा या भेज दीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।